नमस्कार साथियों, ये है हमारा शहर हल्द्वानी। हल्द्वानी में आजकल पार्कों की देख रेख हो रही है, पार्क बन रहे हैं बच्चों के लिए। सर्वांगीण जो विकास होता है बच्चों का, वो खेल कूद के माध्यम से होता है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए सुंदर सुंदर झूले लगे हुए हैं, झूलों के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रेषित कर रहा हूँ। और ये हमारी छोटी बेटी है और एक भैया यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, झूले का आनंद लेते हुए। और यहाँ पर हर तरह से सौंदर्यीकरण किया गया है, आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर बैठे हुए हरे भरे वृक्षों के मध्य, और आप भी आए, सुभाष नगर क्षेत्र में ही उपस्थित हूँ। और इस पार्क में बहुत ही सुंदरता प्रदान की गई है नगर निगम हल्द्वानी कार्डवान द्वारा, इसे बनाया गया है। और देखिए सामने हल्द्वानी शहर की जो सुंदरता को चार चांद लगाते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, और ये स्टेशन लिखे गए हैं। छोटे बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है नगर निगम हल्द्वानी कार्डवान, म्यूनसिपल कमिश्नर नगर निगम हल्द्वानी। ये ABCDEFGH इसमें अल्फाबेट्स भी दिए गए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, आप दिखाता हूँ देखिएगा। और ये बहुत सुंदर झूलों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। मेरी दोनों बेटियाँ अभी प्रातःकालीन सत्र है, अभी थोड़ी देर पहले मैं योगा मेडिटेशन करने के बाद इनको इस पार्क में घुमाने के लिए लाया हूँ। पार्क को देख सकते हैं, पार्क की सुंदरता, पार्क का जो फर्श है। और ये है जिज्ञासा जोशी, ये खुशी आराध्य और भैया आनंद ले रहे हैं झूले झूलने का। और आज के अपने ब्लॉग में हम आपको इन्हीं पार्कों के माध्यम से इन्हीं पार्कों की सुंदरता को आपके सम्मुख प्रेषित कर रहे हैं। ये बड़ी है, इसका नाम है जिज्ञासा जोशी, ये क्लास 6 में पहुंच गई है दोस्तों, और 12वें साल में प्रवेश करेगी जनवरी में, अभी 11वें साल की है। और खुशी बड़े ही आनंद ले रही है झूले का अकेले ही, अपने आप को बिल्कुल तेज़ी से मैं इसको थोड़ी देर फोकस करता हूँ आपके सम्मुख। छोटी और दोनों बड़ी दोनों देखो पापा मुझे झूला दो बोल रही हैं, और इतना तेज़ झूलने के बाद भी कहती हैं मुझे और तेज़ झूलाओ। साथ ही जी था पार्कों के सौंदर्यीकरण का विचार नगर निगम हल्द्वानी, जो कि मेयर हैं इस टाइम पर जोगिंदर सिंह द्रोतेला, तो उनके द्वारा अथक प्रयासों का एक सफलतम परिणाम उल्टी दिशा में लेटे लेटे झूलने का प्रयास कर रहे हैं। और नाम क्या है बेटा आपका, नाम क्या है? उदय नाम है। और क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? और यहाँ नज़दीक में कहाँ पर रहते हो? सुभाष नगर। और रोज आते हो इस पार्क में? तो कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है? कितना टाइम हो गया इस पार्क को बने हुए? अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट थेरेसा। कौन सी क्लास, 9th से? सेवन्थ। चलो ठीक है, आप जरा सा परिचय मैं अपने बच्चों से भी लेता हूँ। ये हैं हमारे बीच, जरा सा अपना नाम बताने की कोशिश करें, थोड़ी देर रुकें, अपना नाम और परिचय दें, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, कितने साल के हैं बताएं। हाँ, और कौन से स्कूल नेम पे है आपका? ये हमारी बड़ी बेटी केंद्रीय विद्यालय 6th क्लास, और ये छोटी बेटी है, इनका स्कूल, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? और कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? और आपका नाम क्या है? तो अभी बड़े बनकर क्या बन, जब बड़े बनोगे तो क्या बनोगे? IPS ऑफिसर बनने की इनकी तमन्ना है ये। और जी जिज्ञासा जोशी से मैं पूछता हूँ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? ये भी IPS ऑफिसर बनेंगी। देखिए जल्दी ही हमारे घर में दो IPS पैदा हो रहे हैं। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम तस्यत, हरिओम तस्यत, हरिओम तस्यत।